हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आईआईटी जेएम काउंसलिंग के सेकंड राउंड का भी रिजल्ट अनाउंस हो गया। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया तो फटाफट जाके आप चेक कर लीजिए। इसके साथ ही जिन फ्रेंड्स को अभी तक कोई सीट अलॉट नहीं हुआ है, उनको आगे क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा नेक्स्ट राउंड को पार्टिसिपेट करने के लिए, जिनको अभी फर्स्ट राउंड में सीट मिला था लेकिन सेकंड राउंड में चेंज नहीं हुआ है, अपग्रेडिंग नहीं हुआ है, उनको क्या करना होगा। जिन स्टूडेंट्स को पहली बार सेकंड राउंड में सीट अलॉट हुआ है उनको क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा, और जिन स्टूडेंट्स का अपग्रेडिंग हो चुका है, जिन स्टूडेंट्स को सेकंड राउंड में दूसरा कॉलेज अलॉट हो चुका है, उनको नेक्स्ट राउंड पार्टिसिपेट करने के लिए या फिर आगे का क्या प्रोसेस रहेगा, क्या स्टेप फॉलो करनी होगी, इसका डिटेल से डेडिकेटेड स्टूडेंट्स आपको वीडियो कल मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो का इंतजार बनाए रखें बिना किसी इंफॉर्मेशन के साथ, आपको कोई गलती नहीं करनी है। और जो विड्रॉ का ऑप्शन आ रहा है इसका भी डिटेल से आपको वीडियो मिल जाएगा। इसके साथ स्टूडेंट्स, कल तक ओपनिंग क्लोजिंग रैंक का जो पीडीएफ है वो भी आ जाएगा, उसका भी डिटेल से वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। हालांकि फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड की ओपनिंग क्लोजिंग रैंक में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि अभी विड्रॉ का ऑप्शन आया है और ये विड्रॉ का ऑप्शन 2 जुलाई तक रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स अदर इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, जैसे आईजस में जा रहे हैं, सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, इसके साथ ही टॉप एनआईटीज में जा रहे हैं या फिर आईआईएससी बेंगलोर में जा रहे हैं, तो वो स्टूडेंट जो है अभी विड्रॉ करेंगे। तो जैसे बच्चे विड्रॉ करते जाएंगे थर्ड और सेकंड राउंड में स्टूडेंट्स की सीटें खाली होती जाएगी। इसके साथ स्टूडेंट जो है आपका थर्ड और फोर्थ राउंड में जो आपका चेंजिंग है वो ज्यादा होने वाला है सेकंड राउंड के कंपैरिजन में। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इंतजार बनाए रखें। धन्यवाद।